सो हे गाइज, वेलकम बैक माई न्यू वीडियो। आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही मजेदार और स्वाद से भरी होने वाली है, क्योंकि मैं कब से YouTube शॉर्ट्स देखते हुआ आ रहा था और YouTube शॉर्ट्स के अंदर एक वीडियो मेरे को दिख रही थी बार बार कि फॉरेन कंट्री के यूट्यूबर उस चीज को ट्राई आउट कर रहे थे, वाटरमेलन जेली को। एक बार आप ये वीडियो पे झलक मारे किस हिसाब से ये लोग बनाए जा रहे हैं, जो कि साइड में आपको चलती हुई दिख रही होगी, और काफी ज्यादा खूबसूरत ये कस्टमाइज कर रहे हैं उसको। तो मैंने सोचा यार, क्यों ना अपन भी ट्राई करें और अपने सब्सक्राइबर को भी वो चीज दिखाए और उसको बताए कि कैसे बनेगी, पूरा प्रोसेस होएगा इसका। तो इसमें आप लोगों को सबसे मेन चीज की जरूरत पड़ेगी जो मैं लेकर आ चुका हूँ, और ये है तरबूज। ठीक है, ये है वाटरमेलन यानी कि तरबूज, जो कि आपको इजीली आगे रेट पे देखने के लिए मिल जाएगा और आप वहां से इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको देखना, और काफी खूबसूरत वीडियो बना ली और काफी स्वाद से भरी होने वाली है। और कस्टमाइज करेंगे, अलग अलग फ्रूट डालेंगे, जो कि मैं आपको किचन में दिखाऊंगा आगे की वीडियो में कि क्या क्या चीज मैं इसमें डालूंगा। तो ये सारे फल है अपने, इन सारे फलों से कस्टमाइज करेंगे। ड्रैगन फ्रूट है अपने पास में, कीवी है, सेब है, चीकू है, और ना मस्त है रेड टेक्सचर के लिए अपने पास में अनार भी है, जिसमें मस्त दाने दिखेंगे लाल लाल, अंगूर भी अपने पास में, केले भी है। पर एक चीज है कि तरबूज जो है ना अपना, ये छोटा है थोड़ा। ठीक है, पर कोई बात ही नहीं, अब अपन इसको कट करेंगे। मैं सोच रहा हूँ पहले ये स्टिकर हटा देते हैं, कंपनी की, ये इस कंपनी का ब्रांड है, तो यू काट देता हूँ। ठीक है, बीच में से काटते हैं, जो दोनों तरफ से एक एक हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में का सामान निकालना अपन को, तो उसके लिए अपन को जरूरत पड़ेगी सब्जी बनाने के चम्मच की। ये सब्जी बनाने के चम्मच की जरूरत पड़ेगी अपन को, तो ये अपन निकालेंगे इसके अंदर। आप घर से भी ट्राई कर सकते हो इसको। ये देखो, तो ये देखो, ये पूरा खाली हो चुका है, देखो खोखला हो गया है ना, गोल एकदम। ये ऐसे था रेड चीज, बढ़िया आई है यार इसकी, तरबूज की एकदम मस्त हो रहा लाल। तो अपन ने खाली कर दिया, सेम ऐसा ही अपन ये दूसरा भी कर देंगे, क्योंकि दोनों मेरे को जमाना है, एक घर पे ट्राई करेंगे और एक मेरे दोस्तों को ट्राई कराऊंगा। तो चलो भाई, दोनों तरबूज अपने खोखले हो चुके हैं। ठीक है, ये मस्त हेलमेट जैसे लग रहा है ना, इसको यूं कर दो तो मैं हेलमेट लगेगा, पानी गिर गया इसका रस। चलो इसको साइड में रख देते हैं। अब बारी ये जो फल है ना, ठीक है, इन फलों को अपन काट लेते, कट कर कर इसमें रख लेते, जिससे ना अपन को बनाते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। ड्रैगन फ्रूट तो सबसे ईजी है काटना, छोटे पीस मैंने इसलिए करे ड्रैगन फ्रूट के, क्योंकि जो अपना तरबूज है ना छोटा है, तो क्या दिखेगा ना, तो हर फल बराबर दिखना चाहिए इसमें, जिससे क्या एक जो वो आता ना देखने का, बहुत खूबसूरत तरीके से दिखेगा अपना तरबूज। इसलिए हर चीज का ना छोटे पीस रहेंगे ना, तो अपने कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो भाई सारी चीज कट के रेडी हो चुकी है अपनी। ये आ गया अपना तरबूज, ये क्या था, चीकू, केले, सेब, अंगूर, अनार, कीवी प्लस ड्रैगन फ्रूट। ठीक है, और ये अपनी हेलमेट भी तैयार है। ये देखो, ये रहा अपने दोनों हेलमेट, इसके अंदर अपन करेंगे, इसके अंदर जमाएंगे जूस है इसका, इधर डाल देते हैं। बाकी के बहुत सारे तरबूज बच गए, अपन शाम को खाएंगे आराम से छत पे बैठकर। ठीक है, ये देखो दोनों हो गए तैयार। अब अपनी बारी है अगर पाउडर और जो शुगर है उसको मिक्स करने की, वो सबसे मेन पॉइंट है, जो आपको बेहतर देखना पड़ेगा और वही समझना पड़ेगा। तो चलिए उसका अपन स्टार्ट कर देते हैं, किस तरीके से अरहर पाउडर आप मिला है और उसको बना है। तो भाई अपन ने भगोनी ले ली, ठीक है, भगोनी लेकर अपन को 3 गिलास पानी डालना है इसमें। ठीक है, तो 3 गिलास में पानी ले लेता हूँ, ये 3 गिलास पानी डालेंगे अपन उसके अंदर। अभी हो गया, ये हो गया 300 ml पानी। ठीक है, 300 ml पानी हो गया, 100 ml अगर पाउडर पर 1 चम्मच अपन को ये डालना है। ये अपन ने चम्मच ले लिया, तो 3 चम्मच अपन को डालना है, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 आ गया। अब इसको अपन हिला लेते थोड़ा सा, ठीक है, अब इसको अपन ने हिला लिया। अब इसके अंदर अपन डालेंगे शक्कर, तो ये रही देखो शक्कर, ठीक है, ये अपन शक्कर डाल देते हैं। शक्कर डालने के बाद में थोड़ा बहुत हिलाना है इसको, और धीमी आंच में इसको पकाना जब तक कि पूरी शक्कर मेल्ट नहीं हो जाती। ठीक है, तो फिर गैस जला लेते अपन इसको, थोड़ी धीमी आंच में मेल्ट करने के लिए इसको, जब तक के पकाते जब तक के पूरी शक्कर मेल्ट नहीं होती, मतलब एक बॉइल नहीं आ जाता इसमें। ठीक है, देखो अपन ने धीमी आंच में चला दिया है, और ये इसको जब तक के पकाना जब तक के पूरी शक्कर मेल्ट नहीं हो जाती। सो गाइस देखिए, उबाल आ चुका है अपने अगर पानी के अंदर। ठीक है, तो अब इसको क्या करना, अब इसको बंद कर देना, गैस को बंद करके 5 मिनट अपन इसको रखेंगे बाहर। तो अपन गैस बंद कर देते हैं। ठीक है, ये अपन ने गैस बंद कर दिया, अब इसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए रख देंगे यहीं पर ही, हल्का फुल्का ठंडा होने के लिए, उसके टेम्परेचर पाने के लिए। ठीक है, तो गाइस अपने देखो पूरा 5 मिनट इसको कंप्लीट हो चुके हैं अगर पानी को करे हुए। ठीक है, इसके अंदर अपन ने
शक्कर ही मिला ले, अगर अगर पाउडर मिला ले। अब अपन का काम है मेन पॉइंट पे आ चुका, तो थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, अगर अगर पानी इसमें डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया अगर अगर। अब आपके हिसाब से आप कोई से भी फल डाल सकते हैं पहले डिजाइन के तौर पर। तो मैं पहले अनार डालूंगा इसमें, ठीक है, थोड़े से अनार। फिर उसके बाद में अपनी बारी आती है केलों की, ये केला आ गया। फिर मैं डालूंगा थोड़े से ड्रैगन फ्रूट, अरे यार जेली की तरह हाथ में नहीं आ रहे, ड्रैगन फ्रूट और ये कीवी, कीवी भी डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में अपन डालेंगे अपने तरबूज, अब इसमें ऊपर से डालेंगे और अगर अगर पानी, अगर अगर पानी अपन को डालना होगा। दवा जरूर देना, ठीक है, हो गया अपना ये वाला काम। अब अपन करेंगे दूसरे वाले का, ये अब अपन दूसरे की बारी करते हैं। थोड़ा सा ये अगर अगर पानी डाल देंगे अपन इसमें, अगर अगर पानी डालने का इसमें, मैं चाहता हूँ जो फ्रूट हो ना मेरे इसके वाटरमेलन के, वो मिक्स हो सारे, ठीक है, आपस में मिक्स हो, मतलब ये तो सारे मिक्स पर आपस में हो, ऐसे लाइन नहीं बने उसकी के नीचे अनार है, फिर उसके ऊपर चीकू आ गए, फिर सेब आ गए, फिर केल आ गए, ऐसे नहीं चाहिए अपन को। ठीक है, ये हो गया अपना सेट। ये जो इनको जोड़ेगा ना मेन, अगर अगर पानी है जो इनको जोड़ेगा एकदम परफेक्ट बढ़िया तरीके से। अब क्या करना है अपन को, एक घंटे के लिए इनको छोड़ देना है, ये इधर रख देते अपन और ये इधर रख देते, एक घंटे के लिए अपन इसको छोड़ देंगे। अब एक घंटे बाद में अपन को इसको फ्रिज में रखना, तो अपन इंतजार करते हैं पूरा एक घंटा होने का, ठीक है। सो गाइस, एक घंटे पूरे कम्प्लीटली हो चुके हैं इसको रखे हुए, अब बारी है इसको फ्रिज में रखने के लिए, ठीक है। तो अब अपन इसको रखेंगे फ्रिज में। ये मैंने देखो ये बगोनिया मैंने इसलिए ले रही थी कि फ्रिज के अंदर नहीं स्टेबल रहे, हिले नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो हिलने से क्या दिक्कत हो जाती है। चलिए अब अपन इसको फ्रिज में रख देते है। ये पहला अपन रखेंगे ऊपर, ऊपर ही रखेंगे अपन इसको, बच्चे आते आते रहते हैं घर के, वो एकदम ही अपन से पहले इसको रिजल्ट देख लेंगे इसका। ये देखो, ये दोनों रख दिया मैंने फ्रिज में, ठीक है, और ये फ्रिज बंद कर दी है, ठीक है। तो अब अपन इसको रखे रहेंगे फ्रिज के अंदर कम से कम 6 घंटा, ठीक है। तो 6 घंटा आप लोग रख सकते हो, पर मैं इसको पूरा ओवरनाइट रखूँगा, क्योंकि देखो अभी 6 बज गए लमसम, 6 बज गए, तो अब देखो 6 घंटे के लिए रखूंगा मैं, तो 12-1 बजे मैं निकालूंगा रात में। तो मैंने सोचा 12-1 बजे निकालने से बेहतर है कि अपन पूरा इसको ओवरनाइट ही रख लेगा फ्रिज में, ठीक है, पूरा ओवरनाइट रखेंगे। और कल मंगलवार है, मेरे काफ़ी सारे दोस्तों की छुट्टी भी रहेगी, तो उनको भी चखाएंगे और उनको भी टेस्ट लेंगे और पूछेंगे उनसे कि कैसा बना और कैसा रिजल्ट टेस्ट का। तो अपन मिलेंगे कल सुबह और चेक करेंगे इसका रिजल्ट कि कितनी खूबसूरती से बना और कैसा स्वाद है इसको, मिलते हैं कल, बाय। तो गाइस, अपने जो वाटरमेलन है यानी कि जेली तरबूज उसको रखे, पूरा ओवरनाइट हो चुका है, लगभग सुबह की 10 बज रहे। तो अपन देखेंगे अपने वाटरमेलन को, उसका रिजल्ट देखते हैं और आप लोगों को भी शो करवाएंगे रिजल्ट। ओ भाई, कितने मस्त लग रहे यार दिखने में, है ना, पूरा ट्रांसपेरेंट है। चलो फटाफट से इसको काटते हैं यार और खाकर देखते हैं कि कैसा स्वाद है इसका, ठीक है। दिखने में तो इतने खूबसूरत लगते, देखते हैं खाने में कितने प्यार लगे। चलिए अंदर करते। तो भाई अब बारी है अपने तरबूज की रिजल्ट चेक करने की, ये खाने में कैसे, दिखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, और देखते हैं कि खाने में कैसे लगते हैं अपन को। तो इसको अपन काटते हैं, अब मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ इसको काटने से लेकर, कि कहीं कुछ चीज गड़बड़ नहीं हो जाए। ओ भाई, ये देखो अंदर का रिजल्ट, ये अंदर का रिजल्ट है, कितना खूबसूरत लग रहा है यार, माशाल्लाह। सेम वैसा बना है जैसा मेरे दिमाग में इमेजिनेशन थी इसकी। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरती तरीके से अपनी जेली वाला तरबूज जमा है यार, जितना खूबसूरत मैंने सोचा था ना उतना ही खूबसूरत ये बनकर रेडी हुआ है, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और देखो फ्रूट की कोटिंग, देखो मैंने कहा था ना कि अपन को फ्रूट ऐसे डालना है जिससे हर एक फ्रूट दिखे उसके अंदर,
मतलब हर एक चीज दिखनी चाहिए खूबसूरती से, जो कि अभी दिख रही है माशाल्लाह यार, काफी प्यारा लग रहा है दिखने के अंदर, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए अब इसकी बारी है खाने की और टेस्ट करने की। जेली वाला तरबूज, जेली वाला तरबूज खाकर टेस्ट करते हैं कैसा लगता है। कैसा? एक नंबर अलग ही कसम, स्वाद बयान नहीं कर सकता कसम से, बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं एक शब्द में इसको। तो गाइस अपन ने जेली वाला तरबूज पूरा बना के रेडी कर लिया था, इसका हमने स्वाद ही बताया कितना खूबसूरत बना, और आप खुद ही देख सकते हैं काफी ज्यादा प्यारा है, बनकर रेडी हो चुका है। तो ऐसी और भी चीजें आप लोगों से इसको बनाकर दिखाएंगे और शेयर करेंगे आप लोगों से भी, कि बहुत सारी चीजें ट्रेंडिंग सेक्शन में आती है ट्राई करने के लिए, तो काफी ज्यादा प्यारी लगी खाकर भी और खूबसूरती में दिखने की भी, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज। आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके आप लोग आपके दोस्तों से शेयर जरूर कर देना, और ये जो चीजें हैं ना जो मैंने बनाई है ये आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।